जैसा कि आपको पता है कि अभी वन मंथ पहले मैंने सैमसंग S23 का फुल इन डेप्थ रिव्यू डाला था। सैमसंग S23 एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बस वहाँ पर जो बैटरी है वो इतनी खास नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए S23 प्लस की जुगाड़ करी है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, S23 एंड S23 प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बिगर डिस्प्ले एंड बिगर बैटरी आपको S23 प्लस में मिल जाती है। मैंने S23 प्लस को बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। 2024 में ये कैसा परफॉर्म करता है, हीटिंग कैसी है, बैटरी कितनी चलती है, सब चीजें आपको इन डेप्थ ऑनेस तरीके से बताई जाएगी। इवन वीडियो आप लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको S23 प्लस को न्यू लेना चाहिए या फिर सेकेंड हैंड की तरफ जाना चाहिए या फिर एक मंथ रुककर BBD सेल का इंतजार करना चाहिए। चैनल बनना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके लुक एंड फील से। तो नो डाउट ये फोन दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है, खासकर इसका क्रीम कलर किसी ज्वेलरी से कम नहीं। फोन बड़ा होने के बावजूद भी 196 ग्राम का है, ज्यादा हैवी फील नहीं होगा। वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करा गया है, ग्रिप भी आपको बढ़िया मिल जाती है। बस अगर आपके हाथ छोटे छोटे हैं तभी आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है, बाकी का ड्यूरेबिलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ्रेम एल्यूमिनियम आर्मर का है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके देखा, कहीं से भी कोई चुरमुर की आवाज़ नहीं आती है, फोन अच्छा खासा मजबूत है। वहीं पोर्ट्स में हेडफोन जैक गायब है, सिम ट्रे में आप 2 5G सिम तो लगा पाओगे लेकिन एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट मिसिंग है। वहीं इसके अंदर आपको 21 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, 5G की स्पीड भी काफ़ी तगड़ी मिलती है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, हल्का सा टैप करोगे फोन अनलॉक हो जाएगा। S23 प्लस सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का फोन है तो यहाँ पर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है। फोन को यहाँ पर पानी में लेकर कूदा जा सकता है लेकिन ये ध्यान रखना, अगर गलती से भी वाटर डैमेज हो जाता है तो कंपनी यहाँ पर कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं देगी। बाकी का जो इसकी वाइब्रेशन मोटर है वो भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है, टाइप करते टाइम आपको मस्त ठकठक वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओवरऑल लुक एंड फील में S23 प्लस एक बहुत ही सॉलिड एंड मजबूत फोन है। बाकी का जितना ये मजबूत है उतना ही खूबसूरत आपको इसमें डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। S23 प्लस में आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल जाता है। बेजल्स पर काफी तगड़ा काम करा है, बेजल्स ना के बराबर है एंड ये पूरे सिमेट्रिकल है जिससे डिस्प्ले दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। वीडियो प्लेबैक में 4K HDR पर वीडियो नेक्स्ट लेवल चल जाती है, कलर्स शानदार आते हैं, व्यू एंगल्स भी कमाल के हैं। इवन डिस्प्ले की इंडोर ब्राइटनेस भी 1200 निट्स की है जिसके कारण HDR वीडियो देखते टाइम आपको मजा आ जाएगा। कलर्स बहुत ही पॉपअप आते हैं एंड क्वालिटी आपको क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगी। बाकी का जो स्पीकर्स है वो भी आपको फुल फ्लैगशिप वाले मिल जाते हैं, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, साउंड यहाँ पर क्रिस्प एंड लाउड है। बाकी का मैंने S23 प्लस को आउटडोर में भी यूज करा था, डायरेक्ट सनलाइट में इजिली विजिबल रहता है, अगर आप बाहर ज्यादा फोन चलाते हैं तब भी आपको इसकी ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार S23 प्लस चलने में कैसा है, हीटिंग कैसी हो जाती है, गेमिंग कैसी मिलती है। तो यहाँ पर S23 प्लस में आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 देखने को मिल जाता है जो कि सेम S23 में भी है। ऑन टू स्कोर यहाँ पर 15 मिलियन तक चले जाते हैं, वहीं जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है उसमें भी ये काफी शानदार परफॉर्म करता है, 3 लाख के करीब स्कोर आ जाते हैं जो कि बहुत ही तगड़े हैं एंड ये फोन थ्रॉटल भी नहीं करता है। नो डाउट S23 प्लस चलने में काफी रपा रप चलता है, एप्स पलक झपकते ओपन होती हैं, एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ है एंड एप्लीकेशन इसलिए भी जल्दी ओपन हो रही है क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से स्टार्ट होता है एंड उसके अंदर आपको UFS 4.0 देखने को मिल जाती है। ऐप ओपन क्लोज करोगे तो मस्त फीलिंग आएगी, वहीं जो स्क्रोलिंग स्पीड है एंड टच एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफी रपा रप मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है एंड ये डिस्प्ले भले ही S24 की तरह LTPO ना हो उसके बाद भी बैटरी बचाने के लिए आइडल स्टेट में 48Hz टू 120Hz पर स्विच करता है। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी UI में आपको 120Hz का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, हर एप्लीकेशन यहाँ पर 120Hz पर चलती है चाहे वो Facebook हो, Instagram हो या फिर YouTube हो। बाकी का इसके अंदर आपको 8GB की LPDDR5X RAM देखने को मिलती है, आप आराम से 9 से 10 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख पाओगे और तो और यहाँ पर जो ऐप स्विचिंग है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। वहीं जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफी क्लीन देखने को मिल जाता है, कोई भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं आती है। ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था, अभी करंटली एंड्रॉइड 14 पर है एंड एंड्रॉइड 14 के साथ साथ आपको लेटेस्ट AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि खासकर सिर्फ S24 सीरीज में आए थे, लाइक सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेशन हुआ या फिर फोटो एडिटिंग के AI फीचर्स हुए, ये सब आपको S23 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर S24 का मजा S23 प्लस में भी आ गया है। वहीं जो और भी जरूरी फीचर्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन को हाइड करना, एप्लीकेशन को लॉक करना, सिक्योर फोल्डर की हेल्प से आप कर पाओगे। बाकी का सैमसंग का स्प्लिट विंडो भी आपको देखने को मिल जाता है, साइड बार भी आपको मिलेगी जो कि इसकी वन UI में बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है,
परफेक्ट तरीके से काम करती है, आप आराम से दो एप्लीकेशन एक साथ चला पाओगे। और तो और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन में आपको पीआईपी मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर तीन एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। इवन सैमसंग के अंदर खुद का डायलर भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी सैमसंग S23 प्लस में पॉसिबल है। बाकी का S23 प्लस अभी भी सॉफ्टवेयर के मामले में फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि इसको एंड्रॉइड 15, 16 इवन एंड्रॉइड 17 का भी अपडेट इन फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। देखो नो डाउट S23 प्लस चलने में काफी तूफान की तरह चलता है, परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी, एंड जैसी इसकी परफॉर्मेंस है वैसी S23 से ज्यादा बेटर आपको इसमें गेमिंग भी देखने को मिल जाती है। मैंने इसमें दबाकर गेमिंग करी है, BGMI फटाक से ओपन हो जाता है, ग्राफिक सेटिंग आपको मैक्स मिल जाएगी, HDR एक्सट्रीम एंड स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस यानी कि 90 FPS वाली गेमिंग आप कर पाओगे। देखो मैंने इसमें जितना भी गेम खेला है गेम काफी तगड़ा चल जाता है, फोन का साइज नॉर्मल S23 से बड़ा है जिसके कारण हीट भी अच्छे से मैनेज होती है एंड जल्दी हीट भी नहीं होता है ना ही अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करता है। बाकी का जो रिएक्शन टाइम हुआ, कैमरा मूवमेंट हुआ, इवन जायरो हुआ, ये सब आपको S23 प्लस में बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बस कभी कभी ज्यादा हैवी गेमिंग या ज्यादा रश करने पर ये थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स करता है। नॉर्मल S23 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसकी कम चलने वाली बैटरी परफॉर्मेंस, एंड वही चीज S23 प्लस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। S23 प्लस में आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल S23 से 800 mAh बड़ी है। एंड टेस्टिंग में भी मैंने ये फील करा बैटरी काफी तगड़ी चलती है, हैवी यूसेज में भी आपका पूरा आराम से एक दिन निकल जाएगा। अगर बैटरी आपकी मेन प्रायोरिटी है तो S23 प्लस ही आपके लिए। वही चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी बड़ी हुई मिल जाती है, S23 में 25 वॉट की आती है एंड S23 प्लस में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर चार्जर आपको अलग से लेना होगा। बाकी का चार्जिंग स्पीड की बात करें तो उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक घंटा S23 को चार्ज होने में लगते हैं एंड वही सेम टाइम आपको S23 प्लस में भी देखने को मिल जाएगा। बस ये फायदा है कि उसकी बैटरी बड़ी है फिर भी एक घंटे में चार्ज हो रही है, लेकिन अभी 2024 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, अगर इसमें 80 या 90 वॉट का चार्जर होता तो बात ही अलग हो जाती। बाकी का सैमसंग S23 प्लस में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग एंड 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आखिरकार S23 प्लस के कैमरास 2024 में कैसे परफॉर्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं S23 प्लस में भी S23 की तरह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा है, 10 MP का टेलीफोटो है एंड 12 MP का अल्ट्रा वाइड है। मैंने यहाँ पर 50 MP से जितने भी शॉट्स लिए काफी तगड़े डिटेल वाले आते हैं, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी काफी मस्त है, स्किन टोन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, ओवरऑल फोटोज में जो शार्पनेस मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की आ जाती है। इवन आप इससे 1x to 30x डिजिटल जूम वाले फोटोज ले पाएंगे एंड 30x पर भी ये काफी तगड़ा परफॉर्म कर लेता है। बाकी का मैंने इसका लाइट कंट्रोल देखने के लिए अपोजिट सनलाइट में भी फोटो क्लिक करे थे, यहाँ पर भी ये काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है, फोटोज अच्छा खासा डिटेल वाला आता है, इवन फोटो में ब्राइटनेस भी नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है, लाइट भी बहुत सही तरीके से मैनेज हो जाती है। इवन नाइट में भी मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, इसका नाइट मोड भी काफी तगड़ा है, नाइट वाले फोटोज में मस्त डिटेल आती है, स्किन टोन भी काफी सही तरीके से मैनेज हो जाती है, ओवरऑल नाइट में भी आपको इसके कैमरा से काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो पोर्ट्रेट शॉट्स है उसकी बात करें तो यहाँ पर डिटेल्स कमाल की आती है, 1x to 3x ऑप्टिकल जूम तक के पोर्ट्रेट ले सकते हैं, मस्त ब्लर हो जाता है, एज डिटेक्शन भी काफी कमाल की है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल हुआ, कलर्स हुए सब A1 आते हैं, इवन पोर्ट्रेट फोटो में जो एक शार्पनेस है वो भी आपको अलग ही देखने को मिल जाएगी। बस कम लाइट में ये स्किन टोन हल्की सी डार्क कर देता है, इसका भी जुगाड़ है, थोड़ी सी एडिटिंग करोगे तो फोटो आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड शॉट्स की तो वो भी काफी तगड़े आ जाते हैं, इसमें भी मुझे कोई शिकायत फील नहीं हुई, अल्ट्रा वाइड शॉट्स में मस्त डिटेल कैप्चर होती है, कलर्स शानदार आते हैं, डायनेमिक रेंज कंट्रोल मस्त तरीके से हैंडल हो जाता है, इवन फोटोज में शार्पनेस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर आप तगड़े अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेना चाहते हैं तो सैमसंग S23 अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी काफी ज्यादा शानदार ले लेता है। बाकी का यहाँ पर वीडियोस की भी बात कर लेते हैं, मैक्स आप इससे 8K 24 FPS पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन 8K वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा MB की बनती है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर देती है, हाथ को भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रखना पड़ता है, नहीं तो वीडियो पूरी शेकी बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने 4K 60 FPS पर वीडियो बनाई यहाँ पर वीडियो बहुत शानदार बनती है, स्टेबलाइजेशन तगड़ा हो जाता है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी शानदार है, बस यहाँ पर जो डिटेल्स है उसमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। मैं ज्यादातर आईफोन से वीडियो शूट करता हूँ एंड मैं यहाँ पर सैमसंग की इस वीडियो को देखकर इजीली कह सकता हूँ कि आईफोन से बेटर वीडियो क्वालिटी आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलती है। अगर आपकी मेन प्रायोरिटी वीडियो शूट करना है तो आंख बंद करके आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी का सैमसंग से भी ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, बस डिटेल इतनी खास नहीं मिलती है। और तो यहाँ पर आप सैमसंग S23 से 4K 30 FPS पर सिनेमेटिक वीडियो भी शूट कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म करता है, फेस पूरा ब्राइट आता है, बैकग्राउंड ब्लर तगड़ा हो जाता है, डिटेल्स यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल छोटी मोटी रील्स बनाना चाहते हैं तो आप इस फोन को यूज करके इजिली बना पाओगे।
बाकी का व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो तो इसके अल्ट्रा वाइड से आप 4K 60 FPS पर भी वीडियो शूट कर सकते हो जो कि अच्छी खासी क्वालिटी पर बन जाती है। वहीं मैं अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की तो पंच होल में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। नो डाउट सेल्फी अच्छी आती है, डिटेल मस्त आती है, कलर भी अच्छे आ जाते हैं, बस लाइट कंट्रोल इतना खास नहीं है। बैक साइड आप देख सकते हैं लाइट को पूरा इसने ओवरशार्प कर दिया है। वहीं मैं अगर बात करूं पोर्ट्रेट सेल्फी की तो पोर्ट्रेट सेल्फी में भी डिटेल्स मस्त आ जाती है, फोटोज में ब्लर तगड़ा होता है, इवन एज डिटेक्शन भी आपको काफी हद तक बढ़िया देखने को मिल जाएगी। मैंने नाइट में भी कुछ सेल्फी ली थी, वहां पर भी ये बहुत सही तरीके से काम कर जाता है। वहीं मैं अगर बात करूं वीडियोस की तो मैक्स आप 4K 60 FPS पर फ्रंट वीडियो बना पाओगे, स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, डिटेल्स भी अच्छी आ जाती है। बस अगेन ज्यादा लाइट में वीडियो बनाओगे तो यहाँ पर जो लाइट है वो ओवर एक्सपोज हो जाती है, बाकी का अच्छी लाइटिंग में वीडियो बनाओगे तो नेक्स्ट लेवल की सेल्फी वीडियो आपको मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर सिनेमेटिक वीडियो की तो वो भी आप 4K 30 FPS पर फ्रंट कैमरे से बना पाओगे, एज डिटेक्शन तगड़ा हो जाता है, इवन वीडियो क्वालिटी भी आपको मस्त देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे से रील शूट करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे शूट कर पाओगे। बाकी का S23 Plus के जितने भी शॉट्स हैं सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करके बारीकी से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि क्या S23 Plus को 2024 में लेना चाहिए या इसको टाटा बाय बाय करना चाहिए। ये चलने में तूफान की तरह चलता है, 120Hz बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, हर जगह 120Hz का सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको एंड्रॉइड 17 तक देखने को मिल जाते हैं, S24 के सारे AI फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, इवन S23 Plus के कैमराज भी आपको iPhone के टक्कर के मिल जाते हैं। बाकी का दिखने में एंड इन हैंड फील में ये काफी सॉलिड है, वहीं जो बैटरी परफॉर्मेंस है एंड हीट मैनेजमेंट है वो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। ओवरऑल 2024 में S23 Plus एक परफेक्ट फोन है, आप इसको आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो S23 Plus 1.5 साल पहले 96,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, अभी ऑफर्स लगाने के बाद ये 70,000 रुपए का देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड S23 Plus का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। देखो इस फोन को न्यू लेना मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर फिर भी चूल है न्यू लेने की तो थोड़ा रुक जाओ, जब BBD सेल आएगी एंड उसमें अगर ये 55,000 रुपीज का न्यू आपको देखने को मिल जाता है तो ले लेना। लेकिन अगर मैं अंदर से बताऊं तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि न्यू लेने से अच्छा आप सेकेंड हैंड की तरफ चले जाइए, सेकेंड हैंड ये फोन आपको आराम से 40,000 से 42,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होने वाला है। बाकी का अगर इतने में नहीं मिलता है तो और ज्यादा पैसे मत खर्च करना, क्योंकि 45,000 से 46,000 रुपए में S22 Ultra भी लाइन में, उसका भी रिव्यू चैनल पर अगर उसको नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, अंडर 45,000 S22 Ultra भी बहुत ही तगड़ा फोन है। बाकी का अगर आप भोपाल में रहते हैं जेन्युइन सेकेंड हैंड फोन चाहिए तो घोड़ा नक्काश पर जीतू भाई की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर आपको जेन्युइन सेकेंड फोन देखने को मिल जाते हैं। बाकी का फोन डिलीवर करवाना है तो स्ट्रीट मोबाइल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप S23 Plus का फुल इनडेप्थ रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और पुराने फ्लैगशिप के साथ। टिल देन टेक केयर।